हे गाइस, कैसे आप सब? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने जिन पहले वीडियो में बताया था आपको, मतलब बैक जब हमने करा, मतलब बैक करा मतलब कि हमने वापसी करी, तो कम बैक करा जब हमने, तो फर्स्ट वीडियो डाला आपने बताया, मतलब हमने बताया आपको कि बारी बारी से पहले हम सबका एक एक वीडियो करेंगे, उसके बाद आपकी फरमाइश जो है वो लेना स्टार्ट करेंगे। जब हमने हुसैन भाई का चैनल चेक करा तो वहाँ पे बड़ा अजीब सा वीडियो डाला हुआ था यार, आई एम सॉरी। और जो थंबनेल देखा मैं चौंक गया भाई, कैसा अजीब हो गया ये, क्या थंबनेल डाल रखा इन्होंने यार। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा भाई, क्या हुआ इनको, ऐसा क्यों वीडियो बना रहे हैं और ऐसा क्यों थंबनेल डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे। तो इस वीडियो हमने देखा नहीं, इस पे ज्यादा बात नहीं करना, मुझे वीडियो देखने की, मैं बहुत देर से सोच रहा था, ये दोपहर में डाउनलोड कर ली थी कि वीडियो देखनी है क्या। हाँ, तो हम वेट कर रहे थे, फटाफट पहली बार देख रहे हैं, एंजॉय करते हैं। उससे पहले एंजॉय वाला बेटर हो तो नहीं, मुझे नहीं लगता क्या दिखा रहे। खैर ये सब पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, चलते हैं वीडियो पे। 3, 2, 1 एंड गो। अबे खत्म हो चुका है ये, क्या वो व्यूज नहीं आ रहे क्या? प्यार में तो नहीं पड़ गया, छोड़ गए क्या? मुंह नहीं लगाता, फारिग हो चुका है तू। शुक्र है यार तू आया यूट्यूब चैनल पे, पहले अच्छी वीडियो बनाता नहीं आया। अबे वो देख कितने आगे जा रहे हैं और तुझे देख। कौन हुसैन तरीन, कदर ही नहीं है इसको, कुछ नया कर। इससे अच्छा तो पढ़ाई कर ले, मुझे टीम की कदर नहीं। यू आर डेड। सोने दो, बहुत मुश्किल से सुलाया, ये वादा करके कि अब जब तू उठेगा तो सारी परेशानी सारे मसलों से बहुत दूर आ चुका होगा, तो वापस मत उठाओ। पर आप कौन है? मैं, हर इंसान में उसका एक आप होता है, तो आप वही समझ। पर लोग कहते हैं कि वो काम नहीं करना चाहता, रोज बहाने करता है। किसने बोला? यही तो बात है कि एक बंदा जब घुट घुट के अंदर मर रहा होता है ना, तो लोग अपनी सोचें बना लेते हैं, लोग अपने फैसले कर लेते हैं। ये बात तो सही है, पर मैं आपको बताता हूँ असलियत क्या है। आपको पता है, रोज उठता है, रोज वो लैपटॉप, वो अपनी बुक, जहाँ पे वो अपनी दिमाग की हर वो भरास निकालना चाहता है पर निकाल नहीं पाता। पेन को उठा के उस खाली सफ़े को देख के रोज सोचता है कि आज इसमें ऐसा लिख दूंगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी, दुनिया के टॉन्ट खत्म हो जाएंगे कि तुम जो समझते हो वो नहीं हूँ मैं। रोज काम करने की नीयत से उठता है कि आज तो हिला दूंगा सबको। वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले कमरे में आता है पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। वो सोचे, वो टॉन्ट, वो इनसिक्योरिटी के वापस उठ पाऊंगा कि नहीं, वो उसे वापस पीछे धकेल देती है। ये एक साल से चला आ रहा, एक साल से वो सही तरह सोता नहीं है, रोज करवटें बदलता है, एक साल से इस जंग में लड़ रहा है और लोगों को लगता है कि वो मेहनत नहीं कर रहा। हुसैन अपने आप को भूलने लग गया था, हुसैन साइकेट्रिस्ट के पास जाने लग गया था, अपने दिल की बातें कहाँ करे क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो दिल ही दिल में सब सह जाता है। वो हर भड़ास निकालना चाहता है जो कि उसे काम में निकालनी थी, वो बताना चाहता है इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, क्यों किया, क्या मैं वापस कभी नहीं उठ पाऊंगा, मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे काम करना है, मुझे नहीं फिक्र कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मैंने कभी सोचा नहीं है, आज ये नहीं है मेरे पास, आज वो नहीं है मेरे पास, आज वो वीडियो बनाने के लिए नहीं है, आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। बाकियों को देख कितना तेजी से ऊपर जा रहे और अपने आप को देख, वही तू ये कर ले, वही तू व्लॉगिंग पे आ जा, देख व्लॉगिंग पे देख कैसे सब ऊपर जा रहे, तू भी कर, तू भी कर, और वो बेचारा हर किसी की बातों में आकर अपनी मंजिल छोड़ बैठता था। वो मेरे पास रोज आता था पर बहुत धुंधला आता था, रोता हुआ आता था, रोज रातों में अपने बाल नोचता था और बोलता था कि क्यों क्यों नहीं कर पा रहा मैं, क्या हो गया मुझे, मैं क्यों बदल रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, सब सवाल का आखिर में क्वेश्चन मार्क लेके मेरे पास आता था। मैं हर क्वेश्चन मार्क को दूर करके उसके नीचे डॉट लगाता था और वो अगले दिन फिर क्वेश्चन मार्क के साथ आता था।
रोज आसमान की तरफ देख के खुद को याद दिलाता था कि जो यहाँ तक लेके आया है वो आगे भी जरूर लेके जाएगा। उसने लोगों की बातें सुनना बंद कर दी, उसने लोगों के कहने मानने बंद कर दिए कि आओ मेरी बात सुनो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि एक बार वापस मुझे अपने दिल की सुनना है, मुझे अपनी माँ को बहुत ज्यादा खुश रखना है, उनकी हर कही भी बात पूरी कर देनी है, मुझे अपने घर वालों का सब कुछ पूरा करना है, मुझे अपने दोस्तों की हर कही भी बात पूरी करनी है। तो कैसे जब मैं अपने आप में ही नहीं हूँ, तो कैसे मैं उसके बिहाफ पे आप लोगों को सबसे सॉरी करता हूँ, मेरे हर एक फैन से सॉरी करता हूँ जो हंसने आया था और यहाँ बैठ के एक साल से रो रहा है, वो नहीं सुनता था किसी को, पर जब वो सुनने लग गया ना वो धुंधला होने लग गया। बहुत बड़ी कहानी लिखी है इसमें, और जब तक वो उसे पूरी नहीं करेगा ना वो ऐसे ही इधर से उधर करवट बदलता रहेगा, क्योंकि उसके सपने उसे सोने नहीं देते, उसके काम की लगन आज भी उसके अंदर है। तो आओ ढूंढते हैं मिलके, छोड़ते हैं सब कुछ, सिर्फ हुसैन तरीन को वापस आपकी साथ से उसे वापस उठाते हैं। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, सोते पे फैसला किया है, जहाँ सब दौड़ रहे ना मैं वहाँ नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि मैं भीड़ में चलने वाला बंदा नहीं हूँ। आपने सुना है, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। हर दिन कोशिश करता है खुद को उठाने की, चूक जाता है, पर देर है अंधेर नहीं है। उसकी जर्नी उसे कहां तक लेके जाएगी उसे फिक्र नहीं है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है। रोज लोगों की बातों में आकर उसने अपना बहुत नुकसान किया, उसने मुझसे आकर सबसे पहले माफी मांगी कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा, क्योंकि जब आप अपने आप से माफ़ी मांगते हो ना दिल से आप उसी दिन उठने लग जाते हो। बहुत कुछ है सुनाने को, पर मैंने सुना दिया तो फिर वो क्या करेगा, इसलिए जो काम उसका है वो उसी पे छोड़ते हैं। ये बातें सुनाने का मेरा हक था और आपका सुनने का हक था, जब भी मैंने सुना दी, मुझे नहीं फिक्र कि अब आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे। हज़ार कॉमेंट्स, हज़ार बुरी बातों का वो हंस के जवाब देके सह लेता है, लेकिन अंदर टूटता है वो। बेशक इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये रहा मेरा सपना, खटावा जो था ना वो फेंक दिया जैसे अपनी जिंदगी से। तो बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार चाहिए। पहली चीज, आई एम रियली सॉरी कान पकड़ के, कि जो लोग मुझसे कनेक्ट हुए थे कि मैं उन्हें खुश रखूंगा, जो मेरा प्रोफेशन था ना मैं उससे नहीं भाग सकता। तो ये मेरा प्रोफेशन है जिसके लिए मैं बना हूँ, जिसके लिए मैं सोशल मीडिया पे आया था, और मैं ऐसे ही देखूंगा, चाहे मैं पीछे हटूं चाहे मैं पीछे हो जाऊं, पर मैं अपनी रेस में हमेशा सबसे आगे हूं और हमेशा सबसे आगे ही रहूंगा। तो इसी अपने पन के साथ फिर मिलते हैं और रेगुलर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। एक मिनट इमोशनल कुछ समझ भी नहीं आया। ओ हाँ यार, 70 दिन क्या गायब रह गए हम। और सच्ची बात बताऊं तो आप इस मैटर पे मतलब कि आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, मैं तो प्लीज कमेंट कर बता, क्योंकि अभी पता नहीं है ना ये मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे माफ कर दो। और सचिव ना इनके चैनल पर गया ना मैं, ज्यादा वीडियो नहीं है डाले इन 70 दिनों में, वीडियो नहीं है ज्यादा इनके, दो चार वीडियोस ही है जितना मैंने सोचा था ना, उतना कुछ भी नहीं है इनके चैनल पर डाला ही नहीं उन्होंने वीडियो। सो ऐसा तो क्या हो गया, क्या रीजन है? फिलहाल मैं नहीं पता क्या हुआ है, क्या बात है, बट धीरे धीरे आपसे कमेंट करे और आप बताए, और धीरे धीरे आप जैसे अभी स्टार्ट करे रिएक्शन देना तो पता चलेगा ऐसा क्या हुआ है, क्या हुआ इन 65 दिनों में, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो चुका है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा।
तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई बात क्या हुई, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपसे बेटर कनेक्ट करवाएंगे हम और वीडियो में थोड़ा दिखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यार ये बोल के तो काफी अच्छी अच्छी बातें गई हैं, लेकिन इतना मुझे जरूर लग रहा है कि ये इस वीडियो में ये इससे इतना पता चलता है इस वीडियो से कि ये अपसेट है बहुत ज्यादा, किसी ना किसी बात से अपसेट है भाई। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमें कुछ बात करने के लिए इस टॉपिक पे है, हमें पता ही नहीं है क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर कि क्या बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।